Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are doing well. So students, today we will continue our chapter number 2, that is from hunting gathering to growing food. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. पहले जो सबसे पहले फार्मर्स हर्डर्स रहे होंगे, फार्मर्स मतलब जो खेती करते थे, हर्डर्स मतलब जो जानवर पालते थे. ठीक है, तो आपने नोटिस किए होंगे ब्लू स्क्वायर्स, जो मैप हमने मैप 2 देखा था उसमें ब्लू स्क्वायर्स हैं. ईच मार्क इज अ साइट वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. ठीक है, ब्लू अभी देखेंगे हम, ब्लू कलर के स्क्वायर जो है उस पर फार्मर्स हर्डर्स रहा करते थे. दे आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे हमारे देश में फैले हुए थे. मोस्ट पार्ट जो है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में और कश्मीर में और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी हमें मिलते हैं. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स फॉर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स. तो ये पता करने के लिए कि यहाँ पर क्या लोग रुक करके सेटलमेंट्स में रहा करते थे, फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे, तो साइंटिस्ट ने जो एनिमल्स और प्लांट की बोन्स वगैरह मिली, प्लांट के जो बचे हुए पार्ट है और एनिमल्स की जो बोन्स मिली हैं उनको मतलब स्टडी किया है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन, मतलब जले हुए ग्रेन्स मिले हैं, इसका मतलब लोगों को आग जलानी आती थी, है ना. तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया ये जो ग्रेन्स हैं, एंड सो वी नो दैट द नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो हमें पता लगता है कि हमारे देश में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाई जाती थी और अलग अलग तरीके के एनिमल्स की बोन्स भी हमें मिली हैं. तो देखते हैं हम लोग ब्लू कलर के स्क्वायर्स, ये देखिए हंटर गैदरर्स नहीं गैदरर्स, ये ब्लू कलर के जो है ये हर्डर्स हैं और एग्रीकल्चर यहाँ पर होता था. तो मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर होता था, बुरजहोम में होता था, और देखिए हल्लूर में पय्यमपल्ली हो गया, और यहाँ पे महागढ़ और कोलीढावा चिरांद और दियोजली हडिंग. तो यहाँ पर क्या होता था, ये देखिए न्यूलिथिक साइट्स है. न्यूलिथिक साइट्स का मतलब है यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता था और हर्डर्स भी यहाँ पर होते थे. ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं. टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब सेटल्ड लाइफ लोगों ने कब करनी शुरू करी. आर्कियोलॉजिस्ट को हमें आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको ट्रेस मिलते हैं हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, कहीं कहीं पर हट्स झोपड़ियाँ फिर घर मिलते हैं. फॉर इंस्टेंस बुरजहाम जो कि कश्मीर में है, इस टाइम पीपल बिल्ट पिट हाउस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बुरजहाम जगह है कश्मीर में, वहाँ पर गड्ढे जैसे घर बनाने लगे थे लोग ग्राउंड के अंदर विद स्टेप्स लीडिंग इन टू देम, क्योंकि वहाँ ठंड होती है तो ठंड से बचने के लिए ज़मीन के अंदर खोद करके पहले सीढ़ियाँ होती थी और ज़मीन के अंदर वो लोग जाकर के आराम से रह लेते थे. आर्कियोलॉजिस्ट ने और भी हर्ट्स फाउंड करी, हर्ट्स मतलब भट्टियाँ फाउंड करी हैं और हट्स वगैरह भी उनको मिली हैं. डिपेंडिंग ऑन द वेदर लोग उस हिसाब से घर के अंदर या फिर घर के बाहर खाना बनाया करते थे. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड, स्टोन टूल्स भी काफ़ी जगह मिले हैं. ठीक है, और मगर वो जो पेलियोलिथिक टाइम था ना उससे काफ़ी अलग थे, और अब के जो टूल्स हैं उनको हम नियोलिथिक टूल्स कहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे होते थे, उनके जो एज होते थे ना वो काफ़ी पैने होते थे. ठीक है, एंड मोटास एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्रिंडिंग ग्रीन, अब ग्रेन की ग्रिंडिंग भी होने लगी थी, मतलब पिसाई वगैरह भी होने लगी थी अब अनाज की. ठीक है, तो इसको करने में भी लगभग हजारों साल लग गए थे, कि मतलब वो पहले ऐसे ही कच्चा खा जाते थे, फिर फायर आई, फिर उसके बाद और पीस करके खाने लगे, तो धीरे धीरे स्टेप्स में बढ़ते जाते हैं. एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन्स, मतलब पेलियोलिथिक के टाइम वाले जो ज़्यादा अच्छे टूल्स नहीं होते थे और नियोलिथिक के काफ़ी ज़्यादा शार्प टूल्स, दोनों के दोनों यूज़ किए जाने लगे थे. काफ़ी सारे अर्दन पॉट्स मतलब मिट्टी के घड़े भी मिलते हैं, कई बार उसमें डेकोरेशन होती है और कई बार एंड समवर यूज फॉर सॉर्टिंग थिंग्स, कई बार तो अच्छे से डेकोरेशन होती है उसमें कई, और कई बार क्या होता था उनको अलग अलग हर घड़े में अलग अलग चीज़ रखने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था. पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, अब लोगों ने खाना बनाने के लिए भी पॉट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, स्पेशली ग्रेन्स अनाज जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया. ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे डाइट के. ठीक है, राइस और चावल और रोटी खाने लगे थे लोग काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए इस टाइप का घड़ा बनता था. इसके अलावा उन लोगों ने कपड़े बुनना भी स्टार्ट कर दिया अलग अलग मटेरियल से, एग्जाम्पल के लिए वो कॉटन भी उगाने लगे थे, कॉटन के कपड़े उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या हर जगह ये बदलाव एक साथ आ गए, नहीं ऐसा नहीं था, हर जगह पर अलग अलग तरीके से बदलाव आए थे हर एरिया में. मैन एंड वुमेन जो है, जैसे कई इलाकों में काफ़ी मतलब एग्रीकल्चर होने लगा था, वो एक जगह पर रहने लगे थे, बट कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर
इस टाइम पर भी लोग जो है औरत और आदमी जो है वो हंटिंग गैदरिंग का काम वो अभी भी कर रहे थे। पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, लोगों ने जो फार्मिंग है हर्डिंग है इसको काफ़ी स्लोली अडॉप्ट किया था, कहीं हज़ार सालों के दरमियान में, मतलब धीरे धीरे अडॉप्ट किया था। अब मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है हमने देखा था, ये देखिए मैप है, ये रहा मेहरगढ़, इस समय ये पाकिस्तान वाले रीजन में आता है। तो मेहरगढ़ हम लोगों ने देख लिया मैप में, पाकिस्तान वाले रीजन में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, दिस साइट इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स टू ईरान। तो बोलन पास जो है उससे ईरान को जाया जाता है, बोलन पास से। ये फर्टाइल प्लेन है, मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छी उपज हो सकती है। मेहरगढ़ जो है प्रोबेबली प्लेस रहा होगा जहाँ पर लोगों ने वीट और बाले, ठीक है, वीट बाले उगाना शुरू करा होगा और सबसे पहले, और यहाँ पर लोगों ने शीप्स और गोट्स भी जो है वो पाले होंगे। पुराने अर्लीस्ट गांव, सबसे पुराने जो गांव थे वो भी हमें मेहरगढ़ में ही मिलते हैं। ये साइट जो है यहाँ पे कई तरीके के जानवरों की हड्डियाँ भी मिलती हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों की भी हमें हड्डियाँ मिलती हैं, जैसे कि डियर हो गया, पिग हो गया, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट आर फाउंड, मतलब डियर की, पिग की, शीप की, गोट की, इन सबकी हमें हड्डियाँ मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इनको पाला जाता होगा। अदर फाइंड्स, और जो चीज़ें हमें मेहरगढ़ में मिली हैं वो हमें बताती हैं रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर हाउसेस, तो ट्रायंगल ट्रायंगल के या फिर स्क्वायर हाउसेस घर हमें मिलते हैं। ईच हाउस हैड फोर कंपार्टमेंट्स, ठीक है, हर घर जो है इस तरीके से चार भागों में बटा हुआ घर होता था। ईच हाउस हैड फोर और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, और इनमें से कुछ कुछ जो है सामान रखने के लिए काम आते होंगे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, और जब लोग मर जाते थे तो उनकी मतलब रिस्पेक्ट की जाती थी, पीपल लुक आफ्टर देम, उनका ध्यान रखते थे। परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, उनको लगता था कि शायद लाइफ के बाद भी कोई, जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी लाइफ बचती होगी कुछ। बरियल्स इज वन सच अरेंजमेंट, बरियल्स मतलब जहाँ पर लोगों को दबाया जाता था। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, बरियल साइट्स मतलब जमीन जहाँ पर दबाया जाता है, मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सारी जगह मिलती हैं। In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. तो कई जगह पर तो एक goat वगैरह के साथ भी दबाया गया है कि भाई अगला जो वर्ड जा रहे हैं उसमें खाना पीना आराम से खा लेंगे, ठीक है। अब elsewhere, cave paintings in France, फ्रांस में हमें जो caves हैं उसमें काफ़ी paintings मिलती हैं। Site जो है स्कूल के बच्चों ने discover करी थी लगभग more than 100 years ago, लगभग हज़ार साल पहले चाहे स्कूल के बच्चों ने इसको ढूंढा था। पेंटिंग्स इस तरीके की मेड बिटवीन 20,000 से लेकर 10,000 साल पहले बनाई गई थी। काफ़ी सारी जो पेंटिंग्स हैं उसमें हॉर्स दिखते हैं और कैटल्स वगैरह दिखती हैं, बाइजन, मतलब अलग अलग तरीके के जानवर देखने के लिए मिलते हैं। ये कलर्स, दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स, जो कि वहाँ पर ऑकर या फिर आयरन ओर मिलता था, चारकोल मिलता था, ठीक है। तो इस तरीके की पेंटिंग्स वहाँ पर हमें मिली हैं, और मे बी सेरेमनीज़ जो कोई फंक्शंस वगैरह उस या फिर रिचुअल कोई रीति रिवाज वगैरह निभाने के लिए इन पेंटिंग्स को बनाया गया होगा। देखिए फ्रांस में पेंटिंग्स मिली हैं। तो और हमें नियोलिथिक साइट्स के बारे में और बताया गया है। टर्की, टर्की जो है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। इकलौती एक ऐसी कंट्री है जो मतलब एशिया, वैसे तो यूरोप रशिया भी आता है बट टर्की भी एशिया यूरोप दोनों में आता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स कैटल हुयक, तो ये नियोलिथिक साइट है वॉज फाउंड इन टर्की, टर्की में हमें मिलती है। सेवरल थिंग्स वर बॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर जो साइट है वो उस जगह पर जो चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी दूर दूर से लाई गई थी। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, कॉवरीज फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। तो उस समय पर कार्ड भी नहीं होते थे, तो किस तरीके से मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और पीपल। तो मतलब ये बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह नियोलिथिक साइट्स में भी हमें सामान अलग अलग जगह का मिलता है। तो हो सकता है कि वह तो इंसान ही खुद उनको लेकर के आए होंगे या फिर जानवरों के बीच पर रख करके लाया गया। इस वीडियो में हमने हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा। आप जो भी वर्क है हिस्ट्री का वो हिस्ट्री के पार्ट में कंप्लीट करिएगा, और जो मैं वर्क ज्योग्राफी का भेज रही हूँ उसको आपको ज्योग्राफी की नोटबुक में कंप्लीट करना है ना।
नोटबुक एक ही बनानी है और एक नोटबुक के ही दो पार्ट करने हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। तो अब जो मैं पीडीएफ भेजूंगी वो हिस्ट्री चैप्टर की है, तो आपको वो वर्क जो है वो चैप्टर टू वो हिस्ट्री वाले पार्ट में कंप्लीट करना है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप वर्क कंप्लीट करिएगा और सेफ रहिएगा। बाय स्टूडेंट्स।